Hi Esperan, good morning Esperan. Today I teach you class 2 subject English grammar. तो Esperan, आज मैं आपको class 2 में English grammar पढ़ाने जा रही हूँ. आज का lesson है 14 और topic है adverb. Okay Esperan, तो सबसे पहले adverb. Read the given sentence. How does the tortoise move? It crawly slowly. It crawls slowly. How does the boy run? The boy runs quickly. How does the sun sins? तो it sins brightly. तो बच्चों आपने देखा कि slowly, quickly है ना, और brightly, यहाँ जो यूज किया गया इस शब्दों को, इसी को हम एडवर्ब कहते हैं. स्टूडेंट देखिए, मोस्ट एडवर्ब एंड द एलवाई. मोस्ट एडवर्ब जो शब्द होता है उसके लास्ट में अगर एलवाई लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि यह जो है वर्ड एडवर्ब है. वी ऑब्टेन मैक एंड एडवर्ब बाय एडिंग एलवाई, यानी कि एडवर्ब डू एंड एडजेक्टिव. एग्जाम्पल एडजेक्टिव और एडवर्ब. एडजेक्टिव सैड, उसका एडवर्ब हो जाएगा सैडली. क्लेवर क्लेवरली. बोल्ड बोल्डली. वाइज वाइजली. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल्ली. तो आपने देखा एडजेक्टिव और एडवर्ब में किस तरह से समांतर है. हाँ, एडजेक्टिव वर्ब में भी एलवाई लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं. तो द वर्ड्स स्लोली ब्राइटली क्विकली एंड नीटली सॉ हाउ द एक्शन इज डन, यानी कि क्या करा. एक्शन इज डन, जो काम मेरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है. दे टेल अस मोर अबाउट वर्ब. दे आर कॉल्ड एडवर्ब है ना. जो काम हम कर रहे होते हैं वो मेरा वर्ब कहलाता है, लेकिन जो काम हो गया है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. तो फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू. तो आप इसमें देखिए कुछ ऐसे काम करने के लिए यहाँ दिया गया है जिसको मैं आपको बुक में करके बता रही हूँ. द स्टार्स सिंस ब्राइटली. द विंड ब्लो स्लो सॉफ्टली. रजत जम प्लेफुली. सी सिंग स्वीटली. द फैन चिप लाउडली. द पप्पी कैच द बॉल हैपली. तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने यहाँ जो वर्ड दिया हुआ था उससे चूज करके मैंने इसमें फिल किया है. डियर स्टूडेंट, आप भी सारे वीडियो को देखते हुए अपने बुक में भरेंगे. उसके बाद यहाँ है सर्किल द एडवर्ब एंड अंडरलाइन द वर्ड इट इज डिस्क्राइबिंग. वन हैज बीन डन फॉर यू. ए एक्सीडेंटली एस्पायर वाटर ऑन द टेबल है ना. तो सन प्लाइटली बॉल टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स. द पेंटन द वी पेटेंटली वेटेड फॉर आवर टर्न टू गो ऑन द राइड. द एंट्स बीजली गेदर्ड फूड फॉर द विंटर. सी डांस ब्यूटीफुल्ली टू द सॉन्ग. द नाइट फॉर ब्रेवली एंड ऑन द विक्टर. द कोला लिट लेजली अराउंड द ट्री ब्रांच. ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा कि जिस शब्द के लास्ट में एलवाई एलवाई का यूज किया गया था उसको मैंने सर्कल कर दिया है. अब यहाँ है लुक एट द पिक्चर सर्कल द एडवर्ब दैट कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस. द टोटोइज वॉक्ड. तो आपने यहाँ लाउडली भी है, लेडली भी है, स्लोली तो स्लोली होगा. द डॉग बार्क स्लोली लाउडली सैडली. द डॉग बार्क लाउडली. द ही लाफ हैप्पली स्लोली और सैडली. तो हलाप में हंसना, कोई हंसेगा यानी कि हैप्पली. और दे टॉक क्विटली फिल्ली
लॉर्डली, तो यहाँ पर क्विकली। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको आज मैंने एडवर्ब पढ़ाया और आपके बुक में जो वर्क थे उसको भी करवा दी। आप भी इस वीडियो को देखते हुए अपनी बुक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय।